को बेचना मना कर देंगे। अभी इसी जेड की बात आ रही ना, सभी बड़े बड़े लोग अभी गांव के गांव ले रहे हैं, सही है ना। हम लोगों ने 95 में डिसीजन लिया कि हमारे गांव में कोई बाहर वाला की जमीन नहीं ले लेगा। कानूनी तौर से नहीं कर सकते, लेकिन ग्राम सभा की तौर से कम कर सकते। कश्मीर के बाद, कश्मीर में तो 370 कलम है तो हिवरे बाजार में ग्राम सभा का कलम है, करके कोई बाहर वाला यहाँ के नहीं। और ये सभी डिसीजन हम लोगों ने ग्राम सभा में लिए। खुद पोपटराव पवार मानते हैं कि अगर इतने कड़े फैसले दिल्ली या मुंबई की सरकारों ने लिए होते या खुद सरपंच और उनके साथियों ने बंद कमरे में ये फैसले लिए होते तो गांव वालों से इनका पालन कराना संभव ही नहीं था। ग्राम सभा में सबका अलग अलग दिमाग होता है, लड़कियां हो, लड़के हो, महिला हो, यूथ हो, बुजुर्ग हो, तो अपने अपने हिसाब से वो यह बात रखते हैं। नहीं तो चलो हम पंचायत के सरपंच बन गए, पंचायत के 1, 5, 6, 7, 8, 10 लोग डिसीजन करते हैं, बस ये 20-25 लोगों को पता चलता है और बस चलता है आगे। फिर लोगों जिनके पास दिमाग भी है लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता बताने के लिए, तो ग्राम सभा से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे ये हुआ कि मेरा भी विजन बढ़ गया। जो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं थी वो ग्राम सभा तो मुझे मिली, क्योंकि कुछ लोगों ने बाहर जाके कुछ देखा था, अरे उस गांव में मैंने ये अच्छा देखा, यहाँ पर एक अच्छा देखा, उस दिन उस शादी में गए थे ये देखा, फिर यहाँ आके ये सब। अगर कोई फैसला थोपते उनके ऊपर डालते तो वो उसकी जो लाइफ होती है वो मतलब बहुत थोड़ी होती है। अगर सबको विश्वास में लेके करेंगे तो उसकी जो लाइफ है वो बन जाती है। मतलब देखो अभी कि गांव की जमीन किसी बाहर वाले को नहीं बेचना है, इसको तो ये तो इसमें तो कोई रूल है नहीं सरकारी। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जमीन है, मेरा रिकॉर्ड है, मेरे कागज है, मैं किसी को बेचूंगा, लेकिन लोगों को कि ये ऐसा क्यों करना है अगर ठीक से बताएंगे तो लोग अपने आप मान जाते। सूचना का अधिकार कानून हर गांव की तरह यहां भी लागू है, लेकिन ग्राम सभा के सामने सब कामकाज होने के चलते यहां पहले ही सब कुछ खुला है। यहां तक कि ग्राम पंचायत के किस खाते में कितना पैसा है ये भी हर महीने एक बोर्ड पर लिख दिया जाता है। यही नहीं, साल के अंत में एक ग्राम सभा में पंचायत के पूरे साल के खर्चों का हिसाब किताब न सिर्फ गांव के लोगों के सामने बल्कि अधिकारियों और बाहर के दूसरे लोगों के सामने भी रखा जाता है। ग्राम सभा में सबके सामने और सबकी राय से फैसले लिए जाने का सबसे बड़ा फायदा हुआ है गांव की व्यवस्था से लोगों का जुड़ाव। गांव में होने वाले हर काम में लोग श्रमदान करते हैं। गांव में से श्रमदान करके वो काम किया लाए पूरा। जब ये सब मिल के काम करने का, मीटिंग भराने का, अगर ये काम करने का होगा तो पूरे गांव को जमा करने का, उसके बाद फिर ये काम किया। जहाँ भी श्रमदान करने की जरूरत होती है वहाँ श्रमदान करते हैं। हमने पानी रोकने के लिए वाटरशेड में श्रमदान किया, जिसके कारण आज हमारे गांव में खुशहाली है। गांव की जरूरतों के लिए अब यहाँ के लोग सिर्फ सरकारी योजनाओं का मुंह नहीं देखते हैं। उन्हें लगा कि उनके सरपंच के पास गाड़ी नहीं है तो उन्होंने इसके बारे में भी फैसला ले लिया। मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन 10 दिन के अंदर 5 लाख रुपए जमा हो गए थे। मजदूरी करने वाले एक महिला ने एक दिन की मजदूरी 50 रुपए यहाँ दी और एक कॉलेज गाड़ी हमें, और इसका फायदा ये हुआ कि पूरे गाँव के लोग अभी पूरे महाराष्ट्र में घूम के आए। हिवरे बाजार ग्राम सभा के कई फैसले दिल्ली और मुंबई में बैठी सरकारों के योजना बनाने के तरीकों पर भी सवाल खड़ा करते हैं। गांव में 2-2 आंगनवाड़ी केंद्र होने के बाद भी एक और केंद्र बनाने की योजना यहां भेजी गई। ग्राम सभा में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि भाई और एक सेंटर आ गए फिर क्या करना है, लोगों ने कहा नहीं चाहिए हमें, फिर लिख के दे दिया, हम लोगों ने भेज दिया कि हमारे गाँव में इसकी जरूरत नहीं, अब रोक लीजिए। यहाँ का हर फैसला ग्राम सभा में लिया जाता है। ग्राम पंचायत के लोग और कर्मचारी सिर्फ उन फैसलों पर अमल करते हैं। इसी बात ने आज हिवरे बाजार को एक ऐसा चमत्कार बना दिया है जिसे देखने देश विदेश से हर रोज सैकड़ों लोग आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हों या रिसर्चर, छात्र हों या अध्यापक, केंद्र और राज्यों के बड़े अफसर हों या नेता, सबके लिए ये गाँव एक देखने की जगह बन चुकी है। गाँव को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ग्राम संसद की झोली में अब पुरस्कार रखने के लिए जगह नहीं बची है। हिवरे बाजार के लिए अब अगर कोई पुरस्कार बाकी है तो वो है देश का हर गांव, हर शहर उसके जैसा हो जाए। हिवरे बाजार आज एक जीता जागता सबूत है कि देश की तमाम समस्याओं का समाधान और लोगों की खुशहाली का राजमार्ग अगर कहीं से निकलेगा तो यहीं से, कि देश का हर गाँव, हर एक कॉलोनी अपने आप में प्रजातंत्र हो।
वो दिल्ली और राज्यों की सरकारों के अधीन ना हो। हर गांव, हर कॉलोनी के लोग अपने लिए स्वयं ही योजनाएं बनाएं और फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हों, यानी सब स्वराज में जिए। हिवरे बाजार की कहानी एक चमत्कार की तरह लगती है। 1989 में हिवरे बाजार में हर वो समस्या थी जिसकी हम कल्पना करते हैं। एक के बाद एक सालों साल अकाल पड़े। अकाल ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी। लोग गरीब थे, गांव में गुटबाजी थी, पॉलिटिक्स थी, आपस में लड़ाइयां थी। लोग न केवल शराब पीते थे बल्कि हर घर में शराब बना करती थी। लेकिन 1989 में उस गांव के 30-40 नौजवान युवा एक साथ आए और उन्होंने ये तय किया कि हम अपने गांव की तस्वीर बदलेंगे। उन्हीं में से एक लड़का पोपटराव पवार सरपंच के लिए खड़ा हुआ और सारे गांव ने उसको सरपंच बनाने के लिए तैयार हो गए। यहां से शुरू हुई हिवरे बाजार की तस्वीर बदलने की कहानी। उसके बाद इन लड़कों ने श्रमदान कर करके सबसे पहले अपने स्कूल की तस्वीर बदली और एक एक करके गाँव के सब परिवारों का दिल जीता। और उसके बाद सारे डिसीशन, सारे निर्णय इस गांव में ग्राम सभा में, ग्राम संसद में, गांव की खुली बैठक में लिए जाते थे और हर शख्स गांव का हिवरे बाजार की कहानी में पार्टिसिपेट करने लगा। अगर आपके गांव में भी 30-40 युवा एक साथ आने को तैयार हैं और वो ये ठान लेते हैं कि हम अपने गांव की तस्वीर बदलेंगे, तो आप भी अपने गाँव में हिवरे बाजार की तरह अपने गाँव को संपन्न बना सकते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर हर गांव को, देश के हर गांव को हिवरे बाजार की तरह संपन्न बनाने की ठान लें और एक अभियान चालू करें। अगर आप भी अपने गांव में यह अभियान चलाना चाहते हैं और अगर आपके गांव में 20, 30, 40 युवा एक साथ आकर अपने गांव की तस्वीर बदलना चाहते हैं, तो आइए हम सब लोग मिलकर इस अभियान की शुरुआत करें। आप हमसे ज़रूर संपर्क करें।